नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। उमरिया जिले के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खैरा निवासी आदिवासी महिला की सर्प डसने के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं ग्राम कोरार निवासी युवक अपने खेत जा रहा था, उसी दौरान सर्प ने उसे डस लिया, जिसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। इसके पूर्व में भी राम स्वरूप बैगा की सर्प डसने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। एवं भाजपा नेता ज्ञानेंद्र सिंह के आवास से देर रात कोबरा सर्प पकड़ा गया है, जहां मुन्ना सपेरा की सूझबूझ से उसे पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया है। इसके पूर्व में भी जिला मुख्यालय अंतर्गत मुन्ना सपेरा के द्वारा अनेकों सर्प पकड़े गए हैं, जहां सैकड़ों स्थानीय लोगों को सर्प डसने से होने वाली मौतों से बचाया जा सका है। वहीं मुन्ना सपेरा ने बताया कि फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा कीट से सर्प पकड़ने पर सर्प का गला दब जाने से सर्प की मौत हो जाती है, लेकिन देसी टेक्निक से सर्प पकड़ने पर सर्प सुरक्षित रहता है। भारी भरकम अजगर से लेकर हजारों जहरीले सर्प पकड़े गए हैं, जिन्हें जंगल में छोड़ा गया है। वहीं पुलिस की मौजूदगी में पीएम कार्रवाई के बाद मृतक के शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। बारिश का मौसम में अनेकों प्रकार के जीव जंतु जमीन से बाहर की ओर आ जाते हैं, जिसमें सर्प प्रजाति बहुत जहरीले होती है, जहां सभी को सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सतर्क रहना चाहिए। एसी उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। और जहां भी कोई भी ऐसे कांड हो जाते हैं, वहां जरूर पहुंच जाता हूं। यदि ऐसी जगह नहीं है जहां न बस पहुंच पाता हूं, जंगल वाले बातें पहुंचते हैं और अपने जो औजार है आराम से पकड़ता हूं उसको, सांस से, और सांस से पकड़ते उसको डब्बे में रखा, अल्लाह के जंगल सुरक्षित पहुंचता हूं। और जो जंगल वाले आते हैं वो कीट से पकड़ते हैं, ज्यादा जोर से दब जाते हैं तो सांप की मृत्यु हो जाती है, ज्यादा दस्त हो गए। और मेरे को भी वो जंगल वाले ये बोले कि तुम हाथ से क्यों पकड़ते हो, जंगल कीट से पकड़ करो। और मैं तो कीट नहीं, मैं देसी अपने बनवाया हूँ, तो जो मेरे गुरु सिखाए हैं वो अपना इसको विद्या लेके अपनी उसका सेवा कर रहा हूँ। जहाँ भी कांड होता है जब पहुँच सकता हूँ, मैंने अपनी जानकारी उनके सांप पकड़ा, जाकर जंगल में सुरक्षित जगह में छोड़ता हूँ। व्यक्ति को सांप काटा हुआ है, ला के अस्पताल में भर्ती किया गया, मेरे को फोन लगाए, मैंने अस्पताल गया, उसकी भी जान मैंने बचा के भी आया, जहर निकाला मुँह से, सुरक्षित किया उसको, वो भी कुछ होश में ठीक है। उसके बाद ज्ञान सिंह के घर गया रात में 12:30 बजे, काला सांप कोबरा सांप निकला उसमें, रात में जाके पकड़ा उसको, पूछ पकड़ के तीना उसको, पूछ पकड़ के धीरे बार किया, मेरे पास कंट्रोल किया, आधा एक घंटा बाद उसको सांप पकड़ा पाए, पकड़ के लेके घर ले आया सुरक्षित, वहां से लेने के बाद सुबह ला के उसको जंगल में सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। बाद में चिल्लाने लगे, जब हम तत्काल वहाँ पहुँचे तो लेके हॉस्पिटल आ गए, यहाँ से अभी उपचार चल रहा है। में सर्पदंश से कई मृत्यु हुई है, ये सत्यता है, लेकिन यदि ऐसी घटना दुर्घटना घट जाती है तो अति शीघ्र जो है प्राथमिक चिकित्सा का उसको लाभ पहुँचाए जो आहत व्यक्ति है। यहाँ होता क्या है, ग्रामीण एरिया के चक्कर में, झाड़ फूक के चक्कर में कि वो झाड़ने से ठीक हो जाता है, 3 दिन बाद मरा व्यक्ति जिंदा हो जाता है, ये ऐसी मनोधारणा के कारण वो काफी विलंब कर देते हैं, जिसके कारण अस्पताल आते आते आहत व्यक्ति की या जिसको सांप ने काटा है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस अंधविश्वास से बचते हुए यदि ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसी घटना हो, यदि होती है तो तुरंत उसको जो है अस्पताल पहुंचाएं, जहां से उसको प्राथमिक चिकित्सा दी जा सके। और यहाँ पे एक मुन्ना सपेरा है जो इस दिशा में सर्प पकड़ने की दिशा में अच्छा कार्य करता है, और लोगों के घरों में यदि सर्प घुसता है या ऐसी कोई स्थिति होती है तो उसमें वो अपना सहयोग देता है, उसको मैं धन्यवाद ज्ञापित कर। चिकित्सालय उमरिया में लाया गया था जिसे की औद्योगिक मृत अवस्था में था, एवं उसका स्व परीक्षण डॉक्टर रोहिला द्वारा किया गया है। एवं कल एक महिला को सर्प काटने के पश्चात जिला चिकित्सालय उमरिया में मृत अवस्था में लाया गया था, जिसका की स्व परीक्षण डॉक्टर दीपाक्षी सिंह द्वारा किया गया है। एक सर्वदंश का केस आया है जिसका प्राथमिक उपचार डॉक्टर वी एस चंद्र द्वारा किया जा रहा है। उमरिया जिला मूलतः जंगल से प्रभावित है, और खेतों के आसपास, घरों के आसपास बड़े बड़े पेड़ हैं, जहां पर की अत्यधिक बारिश होने पे जो सर्प रहते हैं उनके बिलों में पानी भर जाने का वो बाहर निकल आते हैं और ऐसी जगह तलाश करते हैं जहाँ पे नमी बनी रहती है, वहाँ पे रहते हैं। और इस बीच यदि कोई मानव जाता है, मानव पशु कोई भी जाता है, तो उसको लगता है कि हमको मारने आ रहा है और वो डस देता है। उमरिया जिले में इस प्रकार की बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो कि निश्चित रूप से गंभीर बात है। बहुत सारे लोग असहाय ही अकाल मृत्यु हो जाती है। हमारा कहना है कि जो शासन प्रशासन है PSC लेवल पे और छोटे लेवल पे जो सांपों के रक्षक की दवाइयाँ हैं, विष की रक्षक की दवाइयाँ हैं,
उसको वहाँ पे रखें और लोगों को तत्काल दें। एक बात ये भी उमरिया जिले में प्रकाश आई, एक मुन्ना है जो उमरिया में रहते हैं वार्ड नंबर 4 में, वो सड़कों को पकड़ने का काम करते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े जो भयंकर सर्प जो कोबरा नस्ल के सर्प हैं इनके की काटने से निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती है। ऐसे सर्पों को पकड़ के जंगल में फेंकते हैं तो उनका तो काम सराहनीय है, परंतु शासन प्रशासन से अपेक्षा है कि जो सर्प के काटने के जो वैक्सीन और इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो बहुतायत मात्रा में रखे जाएं और गांव तक के जो इनके आशा कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता जो प्रशिक्षित हों जो इसको इंजेक्शन के रूप में लगा सकते हैं जिनकी जानकारी है उनके पास उपलब्ध कराए जिससे कि अकाल मृत्यु होने से बचा जा सके। काफी बड़ा कोबरा सांप था, तकरीबन जो सपेरे ने पकड़ा उसकी उम्र बता रहा था कि लगभग 80 से 90 वर्ष का सांप है। काफी 6 फुट लंबा था, वो काला था और ये सपेरा मरिया के लिए एक वरदान है। ये जब से ये सांप पकड़ने का काम शुरू किया लोगों की मृत्यु दर और लोगों की समस्याएं कम हुई हैं। आज मेरे निजी निवास में 6 फुट करीब लंबा कोबरा था और जब मैंने फोन किया तो ये जाके पकड़ा और तकरीबन उसकी उम्र 90 से 100 साल पड़ी आई थी। 11 बजे हम मेरे 2 कुत्ते हैं, उन्होंने कहीं से सांप की खुशबू पाई और वो जगह जाके वो भोंकना शुरू कर दिए। तो मेरे कर्मचारी निकल के 2-3 कर्मचारी रहते हैं, उन्होंने देखा तो सांप की पूंछ दिख रही थी बिल पे और काफ़ी उन्होंने प्रयास कर पानी गर्म पानी डाला धुआं किया तब जाके सांप बाहर निकला। उसका ये सपेरा आया और काफ़ी मुशक्कत के बाद तकरीबन 1.5 घंटे की मुशक्कत के बाद वो सांप पकड़ा गया। देखा कि जो सांप पकड़ने का कला जंगल विभाग वन विभाग को है वो सांप पकड़ते जंगली सांप से मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो हमारे मुमैया के जो सांप पकड़ने का कलाकार है मुन्ना इनके सांप पकड़ने का कला बड़ी बेहतरीन कला है। सांप भी जिंदा रहता है और आदमी को नुकसान भी नहीं होता है और जहां तक जानकारी है ये सांप बहुत बेहतरीन तरीके से उनको मृत्यु न हो से पकड़ते हैं और जनता के भी नुकसान न हो जाकर दूर जंगल में छोड़ देते हैं। बिलों में पानी भरने से सर्प निकलते हैं ये बिल्कुल सही है और ऐसी जगह छुपते हैं जहाँ सामान्य तौर पर लोग भाग जाते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्तियों को 3 काम करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है जहाँ जाएं वहाँ डंडे से खटकाएं। दूसरा चीज़ है कि साउंड करें, क्लैपिंग करें, जिससे अगर सर्प होगा तो डेफिनेटली उसका मूवमेंट पता लगेगा। और तीसरा, यदि सर्प की शंका है तो महुआ के बीच की जो गुल्ली होती है उसका धुआं करें, उसके धुएं से सर्प आवश्यक तौर पर भाग जाते हैं।